हेलो एवरीवन, मैं हूँ शशि और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऑरेंज खटोला में। और ये वीडियो मैं शाम से शूट कर रही हूँ और अभी मैं आधा सान रही हूँ। आधे के चाचू के लिए पता नहीं वो क्या खाएंगे, समोसा भी रखा हुआ है तो आटा सान के रख देंगे कि उस टाइम मतलब इजिली बन जाएगा। और आज हम लोग किए हैं समोसा पार्टी, आइसक्रीम पार्टी, तो हम लोग के लिए खाना नहीं बना है, हम लोग वही खा लिए हैं, कब का खा चुके हैं और अब हो रहा है सब क्लोजिंग की तैयारी। इच्छा क्या कर रही है? इच्छा है? क्या कर रही हूँ उधर बताओ। तो इच्छा तो इच्छा दो चार को बर्तन था तो बोले इच्छा तुम कर दो, मैं इधर दूध गर्म कर देती हूँ, आटा छान लेती हूँ। और इधर दूध गर्म कर रहे हैं आजा की दादी को देने के लिए। और तो याद या क्या कर दी आजा, मुंह दिखाओ अपना। हाँ याद या क्या कर ली है? पूरा मुंह में लिपस्टिक पोत ली है, बाबू दूसरा देंगे, दूसरा दूसरा ये तो खाली लिपस्टिक है, लगा लो इसे, लगा लो, लो ले लो। है नहीं ना उसमें? नहीं थोड़ा सा यार, तब भी लगाई भी करेगी ये तो उंगलियां नहीं ना जाएगा उतना अंदर मीठा। गाइस आद्या ना हम लोग ना थोड़ा शूटिंग करने जा रहे थे, मैं और इच्छा मतलब ऐसे ही, और ये जो है ना पूरा लिपस्टिक लेके मुंह में आद्या पोत ली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और जीत पकड़ ली है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। हेलो गाइस, तो अब रात को ना 10:30 बज गया है और आद्या का मुंह मैंने साफ कर दिया है, बहुत सारा लिपस्टिक पोत ली थी। तो मैं जा रही हूँ अब इसको मसाज करने, इसका पूरा ड्रेस खोल के और बेड का चादर भी सब इधर से उधर ये फैला देती है, तो इनको मसाज करने के बाद बेड और ठीक करके खाना वाना खिला के इनको सुलाएंगे। तो अभी फिलहाल में इनको मसाज करते हैं। आदू को ना बेटा हाय कर दो एवरीवन को। आप लोग का स्वागत है बोल रही थी, आप लोग का स्वागत है बोल दो। स्वागत है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इन योर माउथ जानी जानी ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइज पापा ओपन योर माउथ आ आ आ पोषम पा भाई पोषम पा 100 रुपए की खिलाई। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोषम पा भाई पोषम पा लाठी बार 4 रुपए की गली खिलाई क्या आप सुनिए आना पड़ेगा, जेल का रोटी खानी पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। भाई आद्या आद्या ये बताओ आप, आद्या ये बताओ आप किसको प्यार करती हो? पापा का। अरे मेरा बच्चा मम्मा को, मम्मा को। आ, कौन गंदा है बेटा? पापा। सही बोली है, कौन गंदा है बेटा? मम्मा। वेरी गुड आद्या, पापा का सर दबा दो, हेड मसाज, पापा को सुला दो। वेरी गुड आद्या। तो गाइस रात को ना 11:30 बज गया है और मैं इस लड़की को सोची कि खाना खिला के और इसको सुलाती हूँ। मैं आधे घंटे तक इसको सुलाने का कोशिश करी पर ये नहीं सोई। देखिएगा ये गाना उन्होंने ना लगा है, थोड़ा देखिएगा। मैंने इतना मेहनत की इसको बहुत ज्यादा मेहनत करी हूँ सुलाने में पर ये नहीं, ये कह रही लाइट जला दो मम्मा लाइट जला दो। ये 12 बजे के पहले सोने वाली नहीं है और मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद में, लेकिन इसके लिए मुझे जगना पड़ रहा है। मैं अकेले होती ना तो अब तक कब का मैं सो गई रहती। कहाँ गए मेरे बीते दिन जब मेरे पास
समय ही समय था मुझे वो पल याद आता है, कहाँ गए मेरे वो दिन ये हंस रही है, ये पगला हंस रही है। मेरे को मन कर रहा है ना मैं उड़ उड़ के सो जाऊं। पहले मेरे को जब भी मन करता था मैं उड़ उड़ के सो जाती थी, मतलब खाली सोते ही रहती थी, सोते भी बोर हो जाती थी, समझी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब मेरे को दम बिल्कुल टाइम नहीं है, सोने का भी मन करता है तो टाइम नहीं है। जब तक ये महारानी हमको क्या कहे परमिशन नहीं देती है सोने को, तब तक मैं नहीं सो सकती हूँ। अरे आपको नींद आ रही है? कहाँ गए मेरे वो दिन, हंस रही है मामा, क्या गा रही है बेसुरा आवाज में इनके लिए बस मुझे जगना पड़ रहा है तो गाइस मैंने ना रात में ये काजल लगाया है, मेरा काजल फैल गया मेरा काजल कैसा लग रहा है अद्या? ब्यूटीफुल, थैंक यू बच्चा, यही मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। अब पता है मेरे को ना एक बहुत ज्ञानी पंडित जी बोले हैं कि जो मेरी बेटी है ना, ये मेरी बेटी है, मेरी भाग्य लक्ष्मी है और मेरे ना हाथों की ये रेखा है, मेरी किस्मत है मम्मा को ना बहुत प्यार करेगी, करती भी है ना ही, मुझे हर पल ढूंढते रहती है, एक नजर इसका मेरे पे ही रहता है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू गॉड, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए जो कि मेरा हर एक्टिविटी पे नजर रखती है ना बेटा। कह रही है हाँ, कितना प्यारा बच्चा है ना जो जग रहा है रात को 12:30 तक अब मुझे पैकिंग करना है, मैं सोची कि इसको जल्दी सुला के थोड़ा बहुत पैकिंग कर लेती हूँ। कल ही होगी पैकिंग। दिन में 2:30 बज जाता है, ऐसे ही काम ही करते करते आध्या का खाना पीना में 2:30 बज जाता है, देखते हैं। तो गाइज मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही है। अब तबीयत ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है सर, मतलब कफ का है प्रॉब्लम, तो ठीक हो जाएगा 2-1 दिन में, और हल्दी दूध जम के पी रही हूँ हल्दी दूध जम के मैं पी रही हूँ और पिला भी रही हूँ। किसको पिलाती हूँ मैं? मम्मा को। तो गाइस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप लोगों से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज और है गाइस, हम लोग को जाना है और मेरी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को पैकिंग करना है। मैं सोची थी कि आज थोड़ा बहुत कर लेंगे, कल थोड़ा बहुत कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, परसों तो मॉर्निंग में ही निकलना है, तो अब कल ही हो पाएगा, 12 बज गया है तो अब मैं क्या ही कर पाऊंगी। मेरा काजल थोड़ा फैल गया है तो थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा, रात में काजल लगाने का शौक चढ़ा था मुझे। तो बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।